1966 में शर्मिला टैगोर ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए एक ऐसा बोल्ड फोटोशूट किया था जिससे पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई थी। उस वक्त शर्मिला टैगोर की उम्र 22 साल थी और उनके इस टू पीस बिकिनी ने इतना हंगामा क्रिएट किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोरालिटी और सेंसरशिप पर सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन लेट मी टेल यू कि शर्मिला टैगोर पहली नहीं थी जिन्होंने एक बिकनी फोटोशूट किया था, या फिर शर्मिला टैगोर पहली नहीं थी जो स्विम सूट पहनकर फिल्मों में आई। वो पहली कौन थी? That's what I'm going to tell you in this video. मेरा नाम है राहुल, this is 70mm with Rahul. बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों के कई पन्ने अब फट चुके हैं, लेकिन जो पन्ने बचे हैं, जो इतिहास बचा है, जो रिकॉर्ड्स बचे हैं, उसके हिसाब से इंडिया में पहली बार 1938 में एक मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में पहली बार किसी एक्ट्रेस ने स्विम सूट पहना था। ये एक्ट्रेस नम्रता और शिल्पा शिरोडकर की ग्रैंड मदर थी। उनका नाम था मीनाक्षी शिरोडकर। इस फिल्म ब्रह्मचारी में एक्ट्रेस मीनाक्षी शिरोडकर एक तरह से कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं ब्रह्मचारी बने हुए मास्टर विनायक के ऊपर। मास्टर विनायक इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे और उनको रिझा रही थी मीनाक्षी शिरोडकर। एंड लेट मी टेल यू कि मास्टर विनायक इस फिल्म के हीरो और डायरेक्टर एक्ट्रेस नंदा के फादर थे। आज फिल्म के पर्दे पर स्विम सूट पहनना शायद बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमेजिन करिए 1938, यानी मेरी माँ का नहीं, मेरी नानी या दादी का वक्त था वो, और उस जमाने में स्विम सूट पहनना फिल्म के पर्दे पर, आई थिंक शी वॉज वेरी वेरी बोल्ड और अपने जमाने अपने वक्त से वो बहुत ज्यादा आगे थी। इस एक्ट्रेस का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, एक सिनेमा लेजेंड थी मीनाक्षी शिरोडकर। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि शर्मिला टैगोर पहली एक्ट्रेस नहीं थी जिन्होंने टू पीस बिकिनी पहनकर एक बोल्ड फोटोशूट किया हो। वो पहली एक्ट्रेस जिन्होंने एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ 1951 में ऐसा एक बोल्ड फोटोशूट किया था, वो थी नन अदर देन नलिनी जयवंत। नलिनी जयवंत 1940s और 50s की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी और उनकी एक लेजेंडरी पेयरिंग रही है दादा मुनि अशोक कुमार के साथ। और आपको यह भी बता दूं कि नलिनी जयवंत ने सिर्फ फोटोशूट ही नहीं, फिल्म के पर्दे पर भी स्विम सूट पहना है। दादा मुनि अशोक कुमार की एक फिल्म थी संग्राम, जहां नलिनी जयवंत थी, दादा मुनि अशोक कुमार थे, और उस फिल्म का एक गाना था, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए आप जरा दादा मुनि कितने स्मार्ट लग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ नलिनी जयवंत पानी में है और स्विम सूट उन्होंने पहना है। उस ब्लैक एंड व्हाइट ईरा में एक्ट्रेस नरगिस ने भी लोगों को पागल कर दिया था। 1951 में नरगिस एंड राज कपूर की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जो उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड थी, और इस फिल्म में एक्ट्रेस नरगिस एक स्विम सूट पहनकर भी एक बहुत फेमस फिल्मी सीन का हिस्सा थी, आवारा। आज जब ब्लैक एंड व्हाइट ईरा के स्विम सूट मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे नूतन जी भी याद आ रही हैं, क्योंकि उनकी भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने स्विम सूट पहना था, क्योंकि उस फिल्म में वो एक स्विमर बनी थी।
और फिल्म आपको याद आ चुकी है, आई एम श्योर अबाउट इट, दिल्ली का ठग। मैंने नूतन जी की बात इस वक्त इसलिए की क्योंकि आमतौर पर एक्ट्रेस नूतन को हम स्विम सूट से एसोसिएट नहीं करते, उनको हम एक ग्लैमरस अवतार में इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन दिल्ली का ठग में शी डिड द अनथिंकेबल। एंड लेट मी टेल यू कि नूतन जो थी वो बाहर से पढ़ के आई थी, स्विट्जरलैंड से फिनिशिंग स्कूल करके आई थी, तो हमेशा से ही उनकी जो थिंकिंग थी वो काफी प्रोग्रेसिव थी। ये दूसरी बात है कि जो ज्यादातर कैरेक्टर्स उन्होंने बॉलीवुड में प्ले किए वो सती सावित्री और ट्रेडिशनल इंडियन औरत के थे। एक और एक्ट्रेस जिनकी आउट एंड आउट ग्लैमरस इमेज नहीं थी और जिनको स्विम सूट में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिनकी एक ट्रेडिशनल इमेज थी जो ज्यादातर अपनी फिल्मों में बिंदी लगाती थी और साड़ियां पहनती थी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको राज कपूर ने फिल्म संगम में एक स्विम सूट में दिखाया, वैजयंती माला। और अब जब हम कलर फिल्मों की बात कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी बॉलीवुड और स्विम सूट फिल्म एक्ट्रेसेस की बात की जाएगी तो एक एक्ट्रेस जिसकी फोटो पिनअप की जाएगी या ये कहा जाएगा कि इन्होंने ये सबसे पहली बार किया था, जबकि पहली बार नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाएगा, वो थी शर्मिला टैगोर, क्योंकि उनका जो स्विम सूट था इन द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। पुरानी एक्ट्रेसेस में एक एक्ट्रेस जो लंदन से आई थी और जिन्होंने अपने आप को बहुत ही खूबसूरती से इंडिया के ट्रेडिशन में ढाल लिया, वो थी सायरा बानो, जो काफी बोल्ड अवतार में कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन इस वक्त एक मुझे उनकी फिल्म याद आ रही है क्योंकि हम स्विम सूट की बात कर रहे हैं। तो उनकी एक फिल्म अप्रैल फूल 1964 में शायद ये फिल्म रिलीज हुई थी, अप्रैल फूल में उन्होंने पानी में स्विम सूट पहना है, लेकिन ये स्विम सूट कम और कोई डिस्को में पार्टी में जाने वाली ड्रेस ज्यादा लग रही है। सिक्सटीज से अब जरा सेवेंटीज में आ जाते हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस को इस वक्त मैं मेंशन करना चाहता हूं जो एक खूबसूरत बंगाली ब्यूटी हैं, जिनकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने शशि कपूर साहब के साथ 10 फिल्में की और इन दोनों की जो पहली फिल्म थी एक साथ 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म में इस एक्ट्रेस ने एक बहुत ही बोल्ड स्विम सूट शॉट दिया था, फिल्म थी शर्मीली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राखी। By the time 70s came, कई एक्ट्रेसेस स्विम सूट फिल्म के पर्दे पर पहनने लग गई थी, उन एक्ट्रेसेस को बोल्ड एक्ट्रेसेस कहा जाता था और उनमें से एक वो थी जिनसे एक जमाने में देवानंद को प्यार हो गया था। मैं इस वक्त याद कर रहा हूं एक ऐसी फिल्म जो 1973 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी फिल्म जिसके देवानंद डायरेक्टर थे, राइटर थे, एक्टर थे और कैमरा लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जीनत अमान को इन अ स्विम सूट शूट कर रहे थे, हीरा पन्ना। जीनत अमान अगर हीरा पन्ना में स्विम सूट पहनकर हॉट लग रही थी तो एक ऐसी फिल्म जो 1980 में जाके रिलीज हुई थी उसमें जीनत अमान स्विम सूट पहन के हॉटर हॉटेस्ट लग रही थी, फिरोज खान की कुर्बानी। फिरोज
फिरोज खान की सबसे फेमस फिल्म भले ही कुर्बानी हो, लेकिन इस फिल्म से कई साल पहले ही 1972 में फिरोज खान जब पहली बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने थे, उस फिल्म का नाम था अपराध। और इस फिल्म का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस फिल्म में फिरोज खान ने बहुत ही खूबसूरती से माइंड यू वेरी एस्थेटिकली उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज को भी एक स्विम सूट में दिखाया था और वो काफी सीन फेमस हुआ था उस समय। जो लोग एक्ट्रेस मुमताज को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं और आज भी एक्ट्रेस मुमताज पर फिदा हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मुमताज ने फिल्म अपराध के कई साल पहले ही शर्मिला टैगोर की तरह एक बहुत ही फेमस फोटोशूट किया था स्विम सूट में। 1960s की बात है ये और वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है। ये फोटोशूट शर्मिला टैगोर की तरह फेमस नहीं हुआ था, लेकिन मुमताज के चाहने वालों के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट है। एक्ट्रेस मुमताज 1973 के आसपास शादी करके बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोलकर चली गई और ये वही वक्त था जब एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से छक्का मारा। उस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्विम सूट पहना था। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। द नेम ऑफ द फिल्म वॉज बॉबी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिंपल कपाड़िया। आज मैं उन स्विम सूट मोमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने काफी तहलका मचाया था, जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। और उसी लिस्ट में अगली वो एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। एक ऐसी फिल्म जो ए सर्टिफिकेट के साथ आई थी क्योंकि ये फिल्म काफी बोल्ड थी। और इस फिल्म में इस एक्ट्रेस ने एक ऐसा स्विम सूट पहना था जो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट था और इसी वजह से काफी शोर शराबा हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट परवीन बाबी इन ये नजदीकियां। इस वीडियो में मैंने नलिनी जयवंत और अशोक कुमार की बात की थी और उनकी उस बोल्ड फिल्म संग्राम के बारे में बात की थी। उस फिल्म पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसको देखना मत भूलना। टिंग टिंग टिडिंग। Take care, keep smiling. Ta-da.